नमस्कार साथियों, नवजागृति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, इस चैनल के माध्यम से स्टेनोग्राफर करियर के लिए स्टेनोग्राफी के अभ्यास, नई नई डिक्टेशन, स्पीड बढ़ाने की ट्रिक्स, शब्द चिन्ह, वाक्यांश और टिप्स फॉर सक्सेस आदि बताए जाते हैं। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली स्टेनोग्राफी की परीक्षाओं में निश्चित सफलता हेतु हमारे वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। साथियों, ये सब आपको लगातार मिलता रहे, इसके लिए कृपया हमारे नवजागृति चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपने पहले से सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, सॉल्टहैंड में किसी भी प्रकार की कठिनाई के संबंध में आप ईमेल या कमेंट या मोबाइल द्वारा समाधान ले सकते हैं। मेरा नाम अजय सक्सेना है। साथियों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिए। साथियों, ये डिक्टेशन 50 शब्द प्रति मिनट की गति से है, जिसका समय 10 मिनट का है। स्टार्ट। प्यारे भाइयों और बहनों, किस तरह से मैं आपसे कुछ कहूँ। एक अंधेरा सा छा गया है और दिल मेरा और देश में करोड़ों का टूट गया है। हमारे प्यारे बापू देश के, राष्ट्र के पिता का देहांत हो गया। एक पागल आदमी के हाथ से यह बात हुई है, और जो हमारी बड़ी बड़ी उम्मीदें थीं, एकदम से वे खत्म सी हो गई, और हम निराश से हो गए। देश भर में जबरदस्त दुख होगा, तकलीफ होगी, और हमें गुस्सा भी चढ़ेगा। इस समय हमें क्या करना चाहिए? हम सोचेंगे, विचार करेंगे, क्या करना है क्या नहीं। लेकिन पहली बात जो मैं आपसे इस समय कहना चाहता हूँ, और मेरा दिल दुख से और अफसोस से भरा हुआ है, वह यह है कि ऐसे ही मौके पर हमारा और देश का इम्तिहान होता है। ऐसे मौके पर पसंद करते जाहिर है, इस समय और भी बनिस्बत और मौक़ों के उनकी हिदायतें जो उन्होंने हमें सिखलाया है उसको याद रखना है, और
कोई ऐसी बात नहीं करनी है जो कि अनुचित हो, जो बेजा हो, जिसको वह नापसंद करते। आखिर में वह गए, देहांत उनका हुआ, लेकिन कभी न हिंदुस्तान उन्हें छोड़ सकता है और न वह हिंदुस्तान को छोड़ेंगे। मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है कि फिर भी कहीं से उनकी आत्मा हमारी तरफ देखेगी, हमें बचाएगी, जैसे कि सारी उम्र उन्होंने गुजारी जिस काम में, उस काम में निगाहें लगी रहेगी। इसलिए इस वक्त आपसे मैं यह कहना चाहता हूँ कि कितना ही आपको दुख हो, कितनी ही आपको तकलीफ़ हो और गुस्सा चढ़े, हमें इस वक्त संभल कर चलना है। मैं तो अधर्मी के हाथ से स्वर्ण दान भी नहीं ले सकता। इसी तरह जहां उसकी ध्वजा फहराती है, वहां विद्या लेना दोष समझता हूँ। सच तो यह है कि मैं इस सल्तनत में रहना नहीं चाहता। अगर एकदम त्याग सकता तो त्याग देता, किंतु तब मैं यहाँ कैसे आता और यह पैगाम आपको कैसे दे पाता। इसी कारण इस असहाय स्थिति में भी जा रहा हूँ। मैं 24 घंटे एक ही जप करता हूँ कि इसे कैसे हटाऊँ, इसी से मैं हूँ। विद्यार्थियों से मैं कहता हूँ कि इस सल्तनत से सहकार छोड़ना ही हमारा परम धर्म है। जितना आपसे संभव है उतना कीजिए। आपके लिए सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ जो विद्या दान आपको मिलता है उसका त्याग कर दें। यदि आपका इस सल्तनत के बारे में वही ख्याल है जो मेरा है, तो अपना धर्म समझकर इसे छोड़ दीजिए। मैं यह कहना
चाहता हूँ कि यह आजीविका की बात नहीं है, मनुष्यत्व की बात है। मनुष्यता के बाद ही आजीविका की बात आ सकती है। स्वतंत्रता धर्म है। धर्म के पीछे देह है। देह के लिए धर्म को नहीं छोड़ा जा सकता, लेकिन धर्म के लिए देह छोड़ी जा सकती है। हमें आर्थिक, मानसिक, आत्मिक किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं है। यहाँ पर करोड़ों के पास न वस्त्र है न अन्न। इस विश्वविद्यालय में कई बातों की सुविधा है। इंजीनियरी की तालीम मिलती है और बातों की भी आसानी है, किंतु हिंदुस्तान के लाभ के लिए इसका बलिदान करना चाहिए। यदि ऐसा थोड़ा थोड़ा लाभ हम स्वीकार करते रहे तो यह राज्य चलता रहेगा। हिंदू धर्म असहयोग सिखलाता है। We'll be right back.